Do not watch the Kashmir Files. Why? क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं, ना ही इसमें कोई हीरो है, ना ही उसका किसी हीरोइन के साथ रोमांस। हर 10 मिनट के बाद इस फिल्म में गाने नहीं है, और तो और किसी टॉक शो ने इसे प्रमोट भी नहीं किया। सो बेसिकली द कश्मीर फाइल्स इज नॉट वर्थ योर टाइम, राइट? ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है। कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है या नहीं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, ये मैं जरूर बता सकता हूँ। आज का वीडियो बनना चाहिए या नहीं इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, क्यों? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे, बट आई फेल्ट ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि द कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। और वो सच ये कि हम एक कंफर्टेबल दुनिया में रहना चाहते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस नारे पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ नहीं भरते। द कश्मीर फाइल्स दो दिनों की कहानी है, एक आज का दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, और दूसरा वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें कश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं। वो दिन जिस दिन उन्हें अपने ही घर से बंदूक की नोक पर धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। लेट मी टेल यू, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं, बल्कि सारे के सारे विलन्स। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, एक्सक्यूजेस देने लगी, मीडिया में विक्टिम्स को ही उनके कंडीशन का जिम्मेदार ठहराया गया, पुलिस उनकी आंखों के सामने क्राइम होते देखती रही, और हम सब लोगों ने 30 सालों के लिए सच से मुंह फेरा। आज का यूथ आपकी और मेरी तरह जो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड समझने में विश्वास रखते हैं। जिन लोगों से हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं, और इसी मौके का फायदा लेकर समाज के कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें हमारा ही इतिहास भूलने पर मजबूर कर देते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं, सच की तलाश हमें खुद करनी होती है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, कश्मीर फाइल्स इज अ म्यूजियम। इस फिल्म के कुछ इंसिडेंसेस इतने शॉकिंग है कि देखने पर लगता है कि कोई इंसान अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन फिल्म मेकर उसी सीन के साथ रियलिटी में क्या हुआ था इसका भी प्रूफ आपके सामने रखते हैं। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मुझे लगता है कि आर्ट का सोसाइटी में रोल यही होता है, आर्ट सच आपके सामने लाता है भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना। लेट मी एक्सप्लेन। श्रिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की, जो हॉलोकॉस्ट में फंसे जूस और पोलिश लोगों के बारे में। इसे अकेडमी अवार्ड मिला था, और IMDB पर जाए तो आज भी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है, क्योंकि सिनेमा का इस्तेमाल करके फिल्म मेकर इतिहास को जिंदा रखता है, उस जनरेशन तक जूश लोगों की पीड़ा को पहुंचाता है जो लकीली आज वो एक्सपीरियंस नहीं करने। प्लीज डू नॉट अलाउ द हॉलोकॉस्ट टू रिमेन अ फुटनोट इन हिस्ट्री, प्लीज टीच दिस इन योर स्कूल्स। मैं जूश लोगों को सल्यूट करता हूँ क्योंकि दूसरे महायुद्ध के इतने सालों बाद भी उन्होंने अपने सच को जिंदा रखा। क्यों? आज तो नाजी चले गए हैं, आज हॉलोकॉस्ट नहीं है, फिर क्यों इसके बारे में बार बार बात होती है? क्योंकि वो इस बात में विश्वास रखते हैं, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। एज इंडियंस हमें भी ये करने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें कोई शर्म नहीं। द कश्मीर फाइल्स को मैं एक फिल्म नहीं मानता क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वो आक्रोश है जिसे 30 सालों के लिए मीडिया ने बेड के नीचे खिसका दिया था, 30 सालों के लिए डाउन प्ले किया था, जो आज उभर कर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स इज नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्म से पहले कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रगीत में खड़ा रहने से कोई हर्ज नहीं, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता। जैसे स्कूल में हम सारे डिफरेंसेस बुलाकर जन गण मन गाते थे तो एक फीलिंग आती थी कि हम सब एक हैं, वैसे ही मुझे फीलिंग आती। द कश्मीर फाइल्स जब मैंने थिएटर में देखी तब सब लोग राष्ट्रगीत के लिए सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो गाने लगे। क्यों? क्या उन्हें किसी ने 200 रुपए दिए थे, बिरयानी दी थी, या पॉपकॉर्न फ्री में खिलाए थे? वो आवाज दिल से आ रही थी। ये कहते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तब मुझे एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस हुई। आज का सच ये है कि लोगों को अपने घर से निकालकर 500 रुपए खर्च करके सिनेमा हॉल तक लेके जाने के लिए टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। टॉक शोज में जाना एक फॉर्मूला है, हीरो हीरोइन के बीच अफेयर की न्यूज फैलाना एक फॉर्मूला है, पैसे देकर ट्रेंड चलाना एक फॉर्मूला, लेकिन बिना फेक हाइप के सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर लोगों को सिनेमा घर तक पहुंचाना एक अचीवमेंट। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मूवी वही होती है जो ऑडियंस को मूव करे, और इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है। अब वापस आता है उसी सवाल पर कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल क्यों था, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मैं सो नहीं पाया, पूरी रात पढ़ता रहा कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मेरा खुद से और मेरे देश से एक ही सवाल था कि ये फिल्म बनने के लिए 30 साल क्यों लगे। कश्मीरी पंडितों की कहानी हम तक पहुंचाने के गट्स आज तक किसी भी स्टार ने क्यों नहीं दिखाया? क्या वो कहानी सच्ची नहीं थी? क्या वो लोग उनके अपने नहीं थे? किस बात का डर था? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म्स हमारे भारत में बनती है, वही घिसी पिटी कहानी बार बार रिसाइकल करके हमें दिखाई जाती, तो ये कहानी छुपाई क्यों गई? क्या इस पर रिसर्च करना किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा? इन दी एंड मुझे यही कहना है कि जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में पता है उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, और जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में नहीं पता उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए और खुद को सवाल पूछना चाहिए, क्या ये रिएक्शन, ये आंसू प्रोपेगेंडा है, या एक ऐसा सच है जो पिछले 30 सालों से अंदर ही अंदर घुटा हुआ। एक फिल्म का पर्पस व्हाइट वॉश करना नहीं होता, बाउंड्रीज को पुश करना होता।
12 Years a Slave देखिए, Life is Beautiful देखिए। ये फिल्म्स स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये फिल्म्स पर्दे से बाहर आकर आपको ऑडियंस को एक सवाल पूछती है। The things that you are just uncomfortable watching on screen are the things these people actually went through। The Kashmir Files भी यही करता है। आपको एक सवाल पूछता है कि सच पर पर्दा डालने की आदत हम कब छोड़े। सो डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आपको व्हाइट वॉशिंग पसंद है। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आप एक डिस्टर्बिंग सच देखने की हिम्मत नहीं रखते। डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर लोगों का दर्द देखने की ताकत आप नहीं रखते। बट डू वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आपको भी लगता है कि सब लोगों की तरह इन लोगों को भी अपनी कहानी सुनाने का हक है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।